गांधी आज 45 साल के हो गए। इस मौके पर उन्हें पीएम मोदी ने खुद बधाई दी। करीब 10 साल बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष ने अपना जन्मदिन देश में मनाया है। राहुल गांधी के जन्मदिन को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस तरह पहले कभी नहीं मनाया था जैसे आज मना। आज हमारे प्रिय नेता को जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि आने वाला भविष्य उज्जवल हो, वो आने वाले दिनों में किसानों की, मजदूरों की, आम जनता की लड़ाई लड़े, हमारी भी उम्र उनको लग जाए। राहुल के 45वें जन्मदिन पर उनके रंग में कांग्रेस की पूरी युवा ब्रिगेड रंगी थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष के लिए लोग खास तोहफे लेकर पहुंच रहे थे। लेकिन राहुल को अगर आज सबसे नायाब कोई तोहफा मिला था तो वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बधाई। मोदी ने राहुल के लिए ट्वीट किया, कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। पीएम को धन्यवाद देने में राहुल ने देर नहीं की। उन्होंने ट्वीट किया, बधाई के लिए आपको धन्यवाद। उधर इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बेटे राहुल को बधाई देने उनके तुगलक लेन के घर पहुंची। तो वहीं राहुल को पार्टी के बुजुर्ग नेताओं का भी आशीर्वाद मिला। राहुल कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, जहां उन्हें एक एक कर वरिष्ठ नेताओं ने बधाई दी। मिथिलेश कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि मोदी एक तीर से कई निशाने लगाते हैं। वो गांधी परिवार और कांग्रेस के एक बहुत बड़े आलोचक हो सकते हैं, लेकिन राहुल को जन्मदिन मुबारक कहना भी नहीं भूलते। जाहिर है वो जताना चाहते हैं कि राजनीति को एक तरफ और सामाजिक शिष्टाचार को अलग रखना चाहिए।